shall Okay good morning everybody ओके okay. चलिए शुरू करते हैं कॉन्सोट्रेट करना अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना रेडी लेट्स गो वन सेकेंड ओके सो सो गुड गुड मॉर्निंग आफ्टरनून गुड इवनिंग दिस दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम डॉट कॉम और आज हम है हमारे सी ए फाउंडेशन लॉ के नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर जिसके अंदर हमको समझना है कि बेसिकली परफॉर्मेंस इसल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अगले वाले कंटेंट क्या है लास्ट लेक्चर हमारा uh, जो है वो पावर कट की वजह से बंद हो गया था वी आर वेरी सॉरी और uh, अभी का जो लेक्चर है उसके अंदर हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे ठीक है

ठीक है जो हमने ऑलरेडी देखा था तीसरा इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन था दो लोगों के बीच में लीगल रिलेशन जायज रिश्ता बनना चाहिए जो तुम सोच रहे हो वो नहीं बनना चाहिए ठीक है कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट होनी चाहिए एग्रीमेंट होना चाहिए प्रॉपरली टू के हिसाब से एग्रीमेंट होना जरूरी है, प्रॉमिस प्रॉमिस प्लस और फिर लॉफुल होना चाहिए, चरस कोकेन, अफीम गांजा सस्ते नशे वाला कोई भी कंसिडरेशन नहीं चलेगा और फिर उसके बाद में लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि भैया एक स्पेसिफिक लीगल ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना जरूरी है यह चीज होने के बाद में अब बढ़ रहे हैं आगे वेरी इसेंशियल और यह रियालिटी में सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग बच्चों तूफान जबरदस्त जिंदाबाद हम जाने वाले नेक्स्ट वाले कंटेंट के ऊपर सर्टनटी ऑफ द मीनिंग बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना सलझ गए नेक्स्ट इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है बच्चों दैट इज सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग तो मैं इसको एक बार पहले लिख लू और सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग ये सेक्शन 10 के अंदर नहीं बोला है इट इज अ पार्ट ऑफ रियलिटी रियलिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट है मित्रों ये. ये के के अंदर बोला है, substance के अंदर बोला 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 है, reality में बहुत है। 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 में में नहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी अब एक simple सा example लेते हैं। बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल तो जाके समझ में आएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा समझो कंगना रनौत ने कंगना रनौत ने कंगना कंगना मालूम है तुमको कंगना ने कॉन्ट्रैक्ट किया ऋतिक रोशन से कंगना ने कॉन्ट्रैक्ट किया ऋतिक रोशन से ऋतिक रोशन तो पता ही होगा तुमको तुम्हारे लिए स्पेशल ऋतिक रोशन पेश किया जाता है

हेयर ऑयल बेचेगी हेयर ऑयल बेचेगी ये ऋतिक एक्सपेक्ट कर रहा था ठीक है और कंगना एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे को ऋतिक को खाने का ऑयल देना है एडिबल ऑयल वेजिटेबल ऑयल ये कंगना को लग रहा था कि मेरे को ऋतिक को ऑयल देने की जरूरत है ऋतिक सोच रहा था हेयर अच्छा या सोच रहा हो, देना है। हो सकता है ना ऋतिक कुछ भी सोच सकता है और ऑयल के बहुत सारे उपयोग होते हैं अलग अलग उपयोग होते हैं गाड़ी चलाने के लिए ऑयल लगता है सिर में लगाने के लिए ऑयल लगता है उसके बाद में खाने में खाना खाने के लिए ऑयल लगता है कभी किसी ने फटके मारे तो उसके ऊपर लगाने के लिए ऑयल लगता है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए ऑयल लगता है अरे मतलब तुम अब गलत गलत डायरेक्शन में मत जाओ मैं जो बोल रहा हूं वो सच है कि भैया और भी बहुत सारी चीजें है ना दुनिया में जिसके लिए ऑयल लगता है क्या इतनी ही चीजें हैं तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया ऑयल का तो सवाल पैदा होता है कि ये जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया ऑयल का तो इसके इस ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत सारी अनसर्टेंटीज है बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है कौन कौन सी अनसर्टेनिटीज है भैया सबसे पहली बात कि भैया टाइप ऑफ ऑयल क्या है उसके बाद में यूज क्या है उसके बाद में कितने किलोग्राम या कितने टन का ऑयल देना है उसके बाद में कहा डिलीवरी देना है ऑयल का घर जाके देना है बाहर देना है बगीचे में देना है दफ्तर में देना है आईफेल टॉवर पे देना है पे पे, पे कौन ऑयल देता है? एनीवेज़ पिरामिड देना है ताजमहल के सामने ऑयल देना है तो डिलीवरी कहां देना है ऑयल का उसके बाद में क्या कंसिडरेशन पे ऑयल कंसिडर किया जा रहा है ठीक है दस रुपए पर किलोग्राम पचास रुपए पर किलोग्राम अभी तो हम देख सकते हैं कि भैया एक सौ दस रुपए पर लीटर के हिसाब से ऑयल बेचा जा रहा है समझ में आ रहा है वो भी तो क्रूड ऑयल ही है ना भैया वो भी तो ऑयल ही है ना पेट्रोल डीजल ये भी तो ऑयल के अंदर ही गिने जाते हैं तो 110 एक सौ पर किलोग्राम के हिसाब पर, पर लीटर के हिसाब से ऑयल बेचा जा रहा है तो मुझे एक बात बताओ ऑयल के कितने टाइप है इज नो सर्टेनिटी रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट इसने बोल दिया मैं तेरे को ऑयल दे रही हूँ उसने बोल दिया ठीक है दे दे वैसे भी बहुत दर्द हो रहा है ठीक है तो ये तो बात तो गलत है ना ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना बच्चों की दिस इज अन्सर्टन कॉन्ट्रैक्ट ठीक है सो मैं नीचे सेंटेंस लिखना चाहूंगा टाइप लिखना चाहूंगा वेन अ पर्सन देखो कितनी बाहर आ गई कंगना ऋतिक बोला वो कितने मतलब एकदम दांत निकाल निकाल के हंस रहे खुद के दांत दांत लेके ले हंस रहे और भी दूसरे के बत्तीस दांत लेके हंस रहे पूरे बत्तीस ही यहां दिखा दिखा के हंसरे से बहुत बढ़िया शानदार तूफान मजा आ रहा है बहुत अच्छी बात है वेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इट शॉल बी when the contract is made it shall be very certain about conditions or terms of contract or it can lead to dispute इट कैन लीड टू डिस्प्यूट अगर यहां सर्टेनिटी नहीं रही तो इसमें डिस्प्यूट हो सकता है समझो कंगना ऋतिक के लिए हेयर ऑयल लिखी गई पर ऋतिक बोला कि मेरे को हेयर ऑयल की नहीं मुझे किसी और ऑयल की जरूरत है तुम आए हो तो मुझे किसी अरे मतलब एडिबल ऑयल की जरूरत है ये बोल रहा हूं मैं तो ऐसे सिचुएशन में मुझे एक बात बताओ ऋतिक और कंगना के बीच में डिस्प्यूट होगा या नहीं होगा इतना ही पहले डिस्प्यूट होता है दोनों ट्विटर के ऊपर एक दूसरे के मारते रहते हैं जिसमें बची हुई कुछ कमी दिलजीत दोसान जी निकाल देते हैं ठीक है ठेके? तो ये सही बात नहीं है ना जिंदगी के अंदर तो ये चीज को आपने याद रखना दिस इज कॉल्ड एज अनसर्टन ऑफ मीनिंग हमेशा कॉन्ट्रैक्ट काफी सर्टन होना चाहिए बच्चों ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना चलो मैं चाहूंगा इसको लिख के रखिए समझ में आया तो बता दीजिए यस सांडे सांडे का तेल नहीं अभी सांडे का तेल क्या होता है जिंदगी के अंदर सांडे का तेल बोले कोई बात नहीं तो आप लिख लीजिए इसको फिर उसके बाद में आगे बढ़ते और समझ में आया तो मुझे जरूर बताइएगा समझ में आएगा गो फॉर फास्ट लॉ का क्लास हर दिन 10 बजे अगले एक दो लेक्चर तक के ही रहेगा डेमो लेक्चर खत्म होने के बाद में लाइव स्ट्रीम होगा अपने अप्लीकेशन के ऊपर ठीक है पिछले एक दो दिन से इरेगुलर हो रहा था बिकॉज थोड़ा मेरा थ्रोट थोड़ इंफेक्शन भी चल रहा था और साथ में घर पे एक पूजा भी थी हमारे जिस वजह से थोड़ा इरेगुलर हुआ था बट इट विल बी रेगुलर नाउ डोंट वरी तबीयत भी ठीक हो गई है तभी थोड़ी ठीक है बेटा थ्रोट इंफेक्शन का इश्यू होता है कभी कभी बीच बीच में बट इतना नहीं होता है रिकवर हो जाता है जल्दी से जल्दी सो so टेंशन लेने की जरूरत नहीं है चलो लिखना हो जाए तो डन दन डना डन दन डन दन कर देना मजा बेटा आकाश एकदम मजा मैंने तुम सबको इतना मिस किया मतलब क्या बताऊं मैं तुमको इतना मिस किया मैंने कल तुम सबको मिस कर करके मैंने कर दिया। अरे मतलब फॉर्म ऑफ मिस ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से लिखना अगर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं कंसंट्रेट करना अच्छे से रेडी दचग थैंक यू सो मच बेटा कार्तिक

सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग हां पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर देखो एक बार एलिमेंट मैंने यहां पे एक्सप्लेन करके रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल होना चाहिए लॉफुल कंसिडरेशन में मैंने लिखा हुआ था एक चीज और मैंने जानबूझ के यहां पे लिख के दिया था क्योंकि मेरे को मालूम था आगे यह पॉइंट आ सकता है सो दिस इज नथिंग बट अ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस यहां पर मार्क कर लीजिए

द कॉन्ट्रैक्ट विच इज इम्प्रैक्टिकल टू परफॉर्म इज वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज अर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट इंपॉसिबल टू परफॉर्म है इज अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट और इंपॉसिबिलिटी बच्चों दो टाइप की हो सकती है इंपॉसिबल एट द स्टार्ट इट्सल्फ इंपॉसिबल एट द स्टार्ट इट्सल्फ मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तभी इंपॉसिबल हो गया है या फिर दूसरा सुपरवेनिंग व्हेनिंग इंपॉसिबिलिटी सुपर व्हेनिंग स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना मेरा इंग्लिश तुमको मालूम है यूएस इंग्लिश यूके इंग्लिश डीके इंग्लिश सुपरवेनिंग व्हेनिंग इंपॉसिबिलिटी परवेनिंग इंपॉसिबल मतलब इट बिकम्स इंपॉसिबल आफ्टर वर्ड्स आफ्टर वर्ड्स वो कॉन्ट्रैक्ट इंपॉसिबल हो जाएगा तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बाद में इंपॉसिबल हो गया कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको हाँ ना ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में इंपॉसिबल हो गया ठीक है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि पिया ने जसमिन को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा याद गार्डन में बैठे थे पेड़ के पीछे ठीक है तो पिया ने जसमिन को प्रॉमिस किया तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा दिस इज इंपॉसिबल एट द स्टार्ट इट सेल्फ यह कॉन्टैक्ट स्टार्टिंग से ही इंपॉसिबल है तो स्टार्टिंग से ही वर्ड है पर एक और एग्जाम्पल लेते एग्जाम्पल लेते किसके बनाओ अभी जिंदगी के अंदर किसके नाम पर एग्जाम्पल बनाओ पूरा कोर्स यूट्यूब के ऊपर नहीं होने वाला बेटा सचिन पूरा कोर्स होगा लेक्चर्स के अंदर इंक्रिपिटेड लेक्चर्स के अंदर यूट्यूब के ऊपर नहीं होने वाला एडमिशन लेने के बाद में आपको एक सीरियल ही मिल जाएगी डोंट वरी चल सो so, यहां पे हम देख रहे हैं पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में ओके सो आयुष और आदित्य के नाम पे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं समझो आयुष आयुष ने कॉन्ट्रैक्ट किया आदित्य से आयुष ने कॉन्ट्रैक्ट किया आदित्य से इतने बड़े नाम तो हमने जिंदगी में नहीं लिखे सो so, आया एंड आदि आद्या ठीक है सो so, आया ने कॉन्ट्रैक्ट किया आद्या से कि आया है ना वो आद्या को खुद का एक डॉगी बेचेगा डॉगी देखना मेरे को डॉग बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकता हूं मैं डॉग ठीक है आयुष ने कॉन्ट्रैक्ट किया आद्या से कि वो उसको डॉग बेचेगा क्या बेचेगा बोले एक बार उसे डॉग बेचेगा ये आया का डॉग था जो उसने आदि को बेचने की कोशिश की He is a Siberian Husky. Siberian Husky. Siberian Husky पता है न तुमको? Siberian है। तुमको? एकदम डॉग रहता कभी तुमने जिंदगी के अंदर साइबेरियन हस्की ले लो या जर्मन शेफर्ड ले लो जर्मन शेफर्ड सो आया ने आजा से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसको डॉग भेजेगा हस्की और जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया तब डॉग जिंदा था लेकिन बाद में डॉग मर गया डॉग निपट गया मतलब एक दिन डॉग खेल रहा था खेलते खेलते डॉग को हार्ट अटैक आया किडनी में और वो मर गया ऐसे सिचुएशन में दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया समझो एक जून 2025 को और डॉग जो है उसने पांच जून 2025 को स्वर्ग सुधार लिया इट बिकम्स इंपॉसिबल इम्पॉसिबल्टर कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा तो इम्पॉसिबल हो गया अब ये डॉग हो नहीं सकता आया ने आध्या को बोला अभी ये मर गया तो क्या मैं तेरे को दूसरा डॉग दूंगा आध्या बोले नहीं मेरा दिल इसी डॉग पे आया था मैं इसी डॉग को परचेस करेगा मैं किसी दूसरे डॉग को खुद का दिल नहीं देगा <laughs> होता है लोग अरे यार कुत्ते से यार लगाओ हो जाता है घर पे आप कुत्ता पाल लो तो भी लगाओ घर पे तुम चूहा पाल लो उससे भी लगाओ होता है ये तो कुत्ता है ठीक है घर पे चिपकली पाल लो तो भी लोग तो कैसे कैसे प्राणी पालते है यूट्यूब वूट्यूब गूगल वूगल के ऊपर देखना मकड़ी पालते हैं कॉकरोच पालते हैं चूहे पालते हैं क्या क्या नहीं पालते लोग तो तो यार इस पे दिल आ सकता है कुत्ते पे तो आधे बोले मैंने दिल कुत्ते को दिया अरे मैंने दिल कुत्ते को नहीं दिया सॉरी मेरा दिल इसके ऊपर आ गया तो मैं इसी को लूंगा बोले नहीं तो मैं किसी और को लूंगा नहीं क्ट बिकम इंपॉसिबल सब्जेक्ट मैटर बिकम डिस्ट्रॉइड क्लियर ये चीज को तुमने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना कार्यक्रम की भावरे और घटनाएं काल्पनिक थी वास्तविक जीवन से संबंध नहीं था सो so, आया आधा दोनों में किसी को भी गुस्सा आया होगा तो आई एम वेरी सॉरी बेटा दिल दुखाने की इच्छा नहीं दिल बनाने की इच्छा है ठीक है गुफर इट फास्ट लिख लो लोग बोले स्नेक भी पालते हैं अभी उसको स्नेक नहीं उसको एक्स कहते हैं ना अरे तुमने स्नेक बोला होगा पर मैं बोल रहा हूं लोग स्नेक पालते हैं नहीं उसको स्नेक नहीं उसको एक, पा, उसको एक्स एक्स बोलते बोलते हैं 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 लोग पालते स्नेक वो तुमने गाना देखा है बेवफा 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 निकली उसका देखना मैच्योरिटी तब आती है जब तुमको समझ में आता है बेवफा बेवफा गाने में वो आदमी गले में सांप लेके क्यों घूमता है पूरे गाने में वो गले में अजगर और सांप लेके घूमता है क्यों क्योंकि गाना बेवफा बेवफा है तुम क्या समझोगे तुम्हारे दिल टूटेंगे तुम समझोगे कोने में बैठ के रोगे तब तुमको समझ में आएगा कि स्नेक और एक्स के अंदर कोई फ्रेंड्स नहीं रहे हैं ज्यादा करके ठीक है रजगो दोनों में जहर भर भर के होता है <laughs> मैं एकदम मस्त बेटा किरण भोसले बोर से हाउज यू चलो फटाफट फड़ लिख लो लिखना लॉ में मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हैं बहुत अच्छे से पढ़ो राइटिंग प्रैक्टिस ताकत से करो तो पूरा का पूरा स्कोर आ सकता है कम्युनिकेशन भी जो पूछ रहा है सीए लॉ वगैरह में कितना स्कोर कर सकते हैं पूरे चार मार्क ले सकते हो चारों सब्जेक्ट के अच्छे से पढ़ो तो थैंक यू सो मच शुभम बेटा थ्री मंथ्स का कोर्स है बेटा एक जुलाई से शुरू हुआ है सप्टेम्बर एंड तक कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर सभी सब्जेक्ट करवाए जाएंगे लाइव स्ट्रीम में कोई बात नहीं पयोद बेटा डेली अपन लेक्चर करते जाएंगे टेंशन ना लो तुम मैं हूँ जिंदगी में जिंदा अगर कोई चीज शुरू से ही भी इम्पॉसिबल है तो वाइड एग्रीमेंट बोला जाएगा वाइड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा ऑब्वियस बात है अगर शुरू से इम्पॉसिबल है और लीगल है तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है और इलिगल है तो वैसे भी वाइड एग्रीमेंट ही माना जाता है क्योंकि एग्रीमेंट इलिगल भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल होना चाहिए थैंक यू सो मच बेटा शिवांगी थैंक यू सो मच बेटा यस वेदांश अगर आपने सिर्फ लॉ लेक्चर्स लिए हैं तो आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं सात लेक्चर जो डाले उसके बाद ये स्टार्टिंग से है वर्ष वंश लिखना हो गया तो डन डना डन डन बोल दीजिए बच्चों प्लीज और डॉगी को बड़े अच्छे से ड्रॉ करना डॉगी नहीं डोंकी नहीं नालायक वेदांश डोंकी ये बोले नालायक मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है बचपन में मेरे को ड्राइंग कंपटीशन में फुल फुल, आउ, फुल आउट ऑफ फुल मार्क मिला करते थे वो तो क्या अभी थोड़ा सा एज हो गया हाथ तंग रहता है इसलिए नहीं तो मेरा ड्राइंग देखोगे परेशान हो जाओगे जिंदगी में डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि सर रियलिस्टिकली ये है क्या है, ये मतलब ये ड्रॉइंग है या ओरिजिनल है करके डिसाइड नहीं कर पाओगे लाइफ के अंदर तुम क्या बताओ मैं तुमको जिंदगी में छोड़ो तुमको टैलेंट की कदर ही नहीं है तो मेरा हाथ थोड़ा सा तंग है थोड़ा सा कल मेरा थोड़ा इन्फेक्शन था इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है नहीं तो तुम देखोगे ना ओरिजिनल और ड्राइंग के अंदर फर्क नहीं पता चलेगा तुमको जिंदगी के अंदर क्या बोलू मैं तुमको जाने दो हॉर्स लग रहा है बोले ना लाइक क्या बोलू अच्छा बोला मंकी वंकी नहीं लग रहा है अगले इसके ऊपर जाते हैं सो नौ एलिमेंट हमारे हो चुके हैं बच्चों दसवा एलिमेंट है ठीक है दसवा एलिमेंट चल रहा है लास्ट दो एलिमेंट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू भी अवॉइड ठीक है कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेसली वर्ड डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ठीक है इसको हम ले रहे हैं आ जाइए बोर्ड के ऊपर कंसंट्रेट करना डबल ट्रिपल तो समझ में आएगा चार्ट लंबा लंबा होते ही जा रहा है चार्ट नहीं हो गई हनुमान जी की पूछ हो गई है हमारी जो खत्म ही नहीं हो रही है ये चार्ट का है खत्म नहीं होता बे चलो दो कैरेक्टर बाकी है अभी हमारे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना रेडी सो so, अगला है एक्सप्रेस डिक्लेरेशन ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो यहां मैं लिखना चाहूंगा एक्सप्रेस डिक्लेरेशन एज वाइड कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया गया है बच्चों वॉइड करके तो ऑबवियस ही बात है ये मेंशन किया गया है सेक्शन 10 के अंदर लीगल वाला कांसेप्ट है सेक्शन 10 का लीगल वाला कांसेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड एक एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल लेंगे तो ऑबवियसली आपको समझ में आएगा हर बार की तरह सो so, एक एग्जांपल लेते हैं पार्थ कौलवार का लेते हैं पत्या पत्या So, पार्थ जो है उसको हम अभी से बोलेंगे पत्या पत्या ने कॉन्ट्रैक्ट किया ठीक है अजय देवगन से पत्या ने कॉन्ट्रैक्ट किया अजय देवगन से अजय देवगन पता है ना तुमको अजय देवगन अरे अजय देवगन नहीं पता अजय देवगन भी अपने को ड्रॉ कर जाता है ठीक है थोड़ा सा तेढ़ा रहता है वो और ये हाथ ऊपर और ये उंगलियां बोलो जुबा केसरी कंसप्ट समझ में आ रहा है सबको हाँ ना अजय देवगन So, पता ने कॉन्ट्रैक्ट किया बोलो जुबा केसरी वो बोल रहा है अबे जुबा बोलो जुबा केसरी ठीक है so, सो पता ने कॉन्ट्रैक्ट किया अजय देवगन से ये हाथ जुबा केसरी वाला है वापस से चाहिए तो दिखाता हूं बोलो जुबा केसरी ठीक है कॉन्ट्रेक्ट किया अजय देवगन से ठीक है कि पत्या अजय देवगन से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में गुटखा गुटखा खरीदेगा दैट इज विमल विमल पान मसाला यह खरीदेगा महाराष्ट्र में जब यह कॉन्ट्रैक्ट किया एक जून दो हजार पच्चीस को जब यह कॉन्ट्रेक्ट किया तब ऑलरेडी महाराष्ट्र में एक जून दो हजार पच्चीस को डिक्लेयर किया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बोलो महाराष्ट्र में गुटखा परचेस गुटखा बैन है महाराष्ट्र में तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वाइड जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली इलीगल या वाइड डिक्लेयर किया है पर इसमें दो आ सकते हैं ठीक है सो वेन द लॉ और गवर्नमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर कॉन्ट्रैक्ट एज वाइड और इलीगल देन इट इज वाइड फ्रॉम डे ऑफ डिक्लेरेशन इट इज वाइड फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ठीक है कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मली आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो पर परफॉर्मेंस के पहले वो कॉन्ट्रैक्ट इलिगल डिक्लेयर किया जाता है फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आएगा ठीक है समझो पता तो हो गया उसके बाद में होल्ड पता तो हो गया उसके बाद में नेक्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं पता के साथ साथ में कौन है कमेंट सेक्शन के अंदर लेट्स hmm, गेट निखर निखर के ऊपर हो गया ऑलरेडी एग्जांपल आदित्य पाटिल आद्या आद्या जो था इसने कॉन्ट्रैक्ट किया लेट्स टेक एन एग्जांपल आद्या जो था इसने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया सैफ अली खान से वाव सैफ अली खान से कॉन्ट्रैक्ट किया कॉन्ट्रैक्ट किया सैफीना से सैफ अली खान से ठीक है और आद्या ने कॉन्ट्रैक्ट किया सैफ अली खान से कि आद्या सैफ अली खान से लिकर परचेस करेगा क्या परचेस करेगा लिकर जब कॉन्ट्रैक्ट किया एक जून 2025 को तब परचेस का कॉन्ट्रैक्ट लीगल था बट सईफी ना जब आद्या को लिकर डिलीवर करने गए डिलीवर करने गए लेट्स से 15 अगस्त 2000 पच्चीस को पंद्रह अगस्त नहीं लेते इंडिपेंडेंस डे है ड्राई डे रहता है गलत चीज है ड्राई डे को कुछ कर लेंगे नहीं दस अगस्त दो हजार पच्चीस को जब ये लेकर डिलीवर करने गए यही लेकर क्या करने गए डिलीवर उस वक्त गुजरात गवर्नमेंट में समझो एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है गुजरात में गुजरात गवर्नमेंट ने इस कॉन्ट्रैक्ट को डिक्लेयर कर दिया इलीगल गुजरात गवर्नमेंट ने इस कॉन्ट्रैक्ट को कर दिया था दि इीगल डिक्लेयर मतलब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था और उसके बाद में डिलीवरी के, के पहले या एग्जीक्यूशन के पहले गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर कर दिया इीगल सो अगर ऐसा सिचुएशन है कि कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन वैलिड है और बाद में इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन वो वॉइड हो जाएगा जिस दिन डेट में डिक्लेयर कर दिया गया इलीगल है उस दिन से वो वॉइड हो जाएगा बस ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है ठीक है सो दिस इज एक्सप्रेस डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड ये चीज को याद रखना ठीक है चलो गो इट फर्स्ट लिख लो इसको फटाफट एक्सप्रेसली का मीनिंग होता है बोल के एक्सप्रेस करना लिख के गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करना दैट इज एक्सप्रेसली लिखना हो जाए तो डीन डूना डीन डान डून बोल देना चलो डन एवरीबडी आई होप सो सबका लिखना हो गया होगा वन, ये सो अब बढ़ते हैं आगे कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल रेडी लेट्स गो। अगर डिलीवरी हो जाती है बिफोर द डे ऑफ डिक्लेरेशन तो कॉन्ट्रैक्ट लीगल रहेगा वैलिड भी रहेगा और उस सिचुएशन में वो भी किया जा सकता है फॉर लीगल ऑब्लिगेशन ठीक है चीज को याद रखना। सबसे आखिरी एलिमेंट के ऊपर हम जा रहे हैं लीगल फॉर्मेलिटीज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तुमको एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है सबसे एंड में और वो चीज है बेटा लीगल फॉर्मेलिटी मतलब कानूनी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई ठीक है तो बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना अभी हम देख रहे हैं लास्ट वाला एलिमेंट दैट इज लीगल फॉर्मेलिटीज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लीगल फॉर्मेलिटीज? अगेन इट इज अ रियलिटी वाला कंसेप्ट अगेन इट इज सब्सटेंस वाला कंसेप्ट व्हाट डू यू मीन बाय लीगल फॉर्मेलिटीज तो वी कैन कॉल इट का नू कार वाही कानूनी कार्रवाई So what do you mean by legal formalities? They whenever the contract is made then the then some legal steps shall be. taken such as जब भी आप contract करते हो कुछ legal steps आपको लेना जरूरी है जैसे contract shall be in writing contract writing में होना चाहिए oral contract valid नहीं रहते oral contract void रहते हैं दूसरा it should be on bond or stamp paper पेपर ही के ऊपर ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे तुमने खाली कागज ले लिया कोरा वाला और उसके ऊपर लिख लिया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया करके नहीं चलेगा इट शुड बी ऑन द स्टैंप पेपर प्रॉपर स्टैंप पेपर होना चाहिए उसके बाद में पॉइंट नंबर सी में इट शुड बी रजिस्टर्ड इट शॉल बी रजिस्टर्ड स्टैम्प फीस शुड बी पेड स्टैंप ड्यूटी शॉल बी पेड कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आपने शायद कभी देखा होगा जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो विटनेसेस के भी सिग्नेचर रखते हैं मिनिमम टू विटनेस सिग्नेचर शॉल बी देयर मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो तो है ही बट मिनिमम टू विटनेस सिग्नेचर शुड बी देयर क्योंकि भैया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसके लिए कोई तो भैया रहना चाहिए ना विटनेस ठीक है गवाह तो रहना चाहिए कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके बाद में डिस्प्यूट जुरिस्डिक्शन शुड बी मैंशन डिस्प्यूट एरिया शुड बी मेंशन कि भैया अगर केस वेस हो गया तो कौन सा कोर्ट कौन से जिले का कोर्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको एंटरटेन करेगा ये आपने मेंशन करके रखना चाहिए या तो फिर आपने एक तो कोर्ट नहीं तो आर्बिट्रेटर मेंशन करके रखना चाहिए सर व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रेटर इट इज अ आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट अथॉरिटी जैसे गांव के अंदर पंचायत होता है पंचायत सॉल्व करते हैं या गांव का मुखिया होता है वो सॉल्व करते हैं इन्हें हम आर्बिट्रेटर कह सकते हैं गांव के अंदर के कॉन्ट्रैक्ट पंचायत या मुखिया सॉल्व करेंगे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अथॉरिटी तो ऐसे बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं अच्छा ऐसा नहीं है कि इतने ही रहेंगे पॉइंट नंबर ई एफ के बाद में जी के अंदर मैं बोलूंगा एक्सेट्रा ऐसे और भी लीगल फॉर्मेलिटीज हो सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जरूरी है देखो राइटिंग में होना चाहिए लीगल फॉर्मेलिटी है इसके पहले के में हमने कहीं देखा नहीं बॉन्ड स्टैंप पेपर के ऊपर होना चाहिए लीगल फॉर्मेलिटी ऑब्वियसली आपने घर के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हो दिखे होंगे आप आपके डैड को या मम्मी को पूछना प्रॉपर्टी के जितने भी पेपर होंगे वो बाकायदा स्टैंप पेपर के ऊपर होंगे रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए रजिस्ट्रार के पास खास करके प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट स्टैंप ड्यूटी प्रॉपरली पेड होना चाहिए अगर बड़े कॉन्ट्रैक्ट है करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट है तो मिनिमम दो विटनेस का यहां आई विटनेसेस का सिग्नेचर होना चाहिए कि कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया है करके डिस्प्यूट डिस्प्यूट ये कोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से डिसाइड होना चाहिए भैया हुआ तो पुणे में सॉल्व होगा अहमदाबाद कोर्ट में सॉल्व होगा और अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो ऐसे केसेस में आर्बिट्रेटर का भी हेल्प ले सकते हो आर्बिट्रेटर मतलब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अथॉरिटी जैसे पंचायत मुखिया इनका भी आप हेल्प ले सकते हो तो ये लीगल फॉर्मेलिटीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बने रहनी चाहिए क्योंकि आगे अगर डिस्प्यूट आया तो क्या करना अच्छा इसके बाद में भी बोलूंगा जी के बाद कुछ और बोल सकता हूं तो तोड़ा गया तो पेनॉल्टी कितनी पे करनी पड़ेगी फॉर्मेलिटी है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया तो, तोड़ा गया, तो आ, देखा जाए तो इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा डिलेड पेमेंट पे इंटरेस्ट ऑन पेमेंट कितना चार्ज किया जाएगा यह भी हमको देखना पड़ेगा ये भी तो लीगल फॉर्मेलिटी है ना बच्चों उसके बाद में टाइम ऑफ डिलीवरी प्लेस ऑफ डिलीवरी ये सब चीजें आपको मेंशन करना जरूरी है दीज आर ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज सो इस आय के बाद में मैं लिख सकता हूं जे दैट इज एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटी है जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं ठीक है so, सो समझ में आएगा कमेंट करके कृपया मुझे बताइएगा और इस चीज को लिख लीजिएगा यहां पे आपके इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सभी के सभी होते हैं खत्म गो फॉर इट फास्ट लिख लीजिए और आप देखिए मतलब कितना कितना लंबा चौड़ा चार्ट बनाया है हमने दस फॉर्मेलिटीज का कोई भी ये इतना लंबा चौड़ा चार्ट हमने बना के रखा है बच्चों दस चीजें लिखी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस और मैं आपको खुशी की खबर देना चाहूंगा कि ये जितना भी मैं लिख रहा हूं इसका मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों जितना भी लिख रहा हूं इसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा जहां आपके गूगल ड्राइव के लेक्चर आप डाउनलोड करोगे बैकअप वाले वही एक फोल्डर रहेगा जहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा पर यह पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मिलेगा क्योंकि बीच में मैं पीडीएफ नहीं दे सकता जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा याद रखना बीच में किसी ने पूछना किसी ने पूछा तो याद रखना ए, मैं आऊंगा घर पे मार मार के जाऊंगा तुम्हारे एक्स के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा फिर मेरे को मत बोलना दर्शन सर तुमने क्या करवा दिया पूरा चैप्टर खत्म हो दो तो, चैप्टर खत्म होने के बाद में मैं आपको इसका पीडीएफ शेयर करूंगा जो भी मैंने क्लास के अंदर लिखा है उसका तो आपको उस चीज का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा कि सर मेरे को हमको कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है हमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है इमीडिएटली पीडीएफ ओपन करके आप देख सकते हो अच्छा सर ने ये लिखा था ये चीज दी गई है ठीक है तो ये भी चीज आपके काम में आती रहेगी ठीक है चलो बड़े अच्छे से अब लास्ट वाला लिखना अपन सब देने वाले फाउंडेशन की जिंदगी का वाला पहला देंगे, तुम परेशान हो जाओगे कि ले क्या और रखे क्या। नहीं रहता, या कोर्ट के सामने या फिर किसी लीगल प्रैक्टिशनर के सामने किया जाए नॉर्मली 99 परसेंट केसेस में ओरल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है सिर्फ 1 परसेंट केसेस में अगर किसी रिस्पॉन्सिबल लीगल पर्सन के सामने किया या कोर्ट के सामने किया तो वैलिड रहता है वो भी कोर्ट अगर अलाउ करे तो वेलकम बेटा साक्षी दो लेक्चर्स के बाद में हम ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे जो यूट्यूब पे है वो यूट्यूब पे ही रहेंगे बैकअप लेक्चर्स पहले बाद 10 बचे हुए साइट के ऊपर बैकअप में रहेंगे चलो डन हो हुई गयो कई यस और नो चलो बहुत बढ़िया सान जबरदस्त जिंदा बाद आगे बढ़ रहे हैं जिंदगी के अंदर यहां पे हमारे इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले सभी एलिमेंट खत्म होते हैं कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर कहां करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास हवेली वाले के पास तलाठी के पास हवेली क्रमांक जब आप प्रॉपर्टी को कॉन्ट्रैक्ट करोगे आपको फ्यूचर में आएगा गवर्नमेंट के ऑफिस रहते हैं वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर करने पड़ते हैं हवेली कहते हैं उसको रजिस्ट्रार ठीक है इस हवेली पे जाना वो हवेली पे जाना आओ कभी हवेली पे ठीक है वैसा वाला कॉन्ट्रैक्ट यही है, है आओ कभी हवेली पे वाला नहीं है नाला को आओ कभी हवेली पे मतलब अरे हवेली पे प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर होते हैं हवेली नाम होता है उसका ठीक है चलो अब बढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से यहां पे मैंने सभी इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करके रख दिए हैं और वही चीजें उन्होंने टेक्स्ट फॉर्म में नीचे देके रखी है ठीक है अब हम जा रहे हैं ये टेक्स्ट फॉर्म वाली चीजें होमवर्क है हमने सब कुछ लिखा हुआ है या चलो मैं पढ़ लेता हूं एक बार मतलब आपको कोई तकलीफ ना हो इसमें सिर्फ सेक्शन टेन वाले है टू पार्टीज सबसे पहला दो पार्टीज होनी चाहिए एक पार्टी जिंदगी में ऑफर देगी मैं तुमसे प्यार करता हूं और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी चल हट यहां से चल हट पहली फुर्सत में निकल ऐसा ना तो ये वाली सेकंड पार्टी रहेगी ठीक है पहली पार्टी ने तो बोला आई लव यू दूसरी पार्टी पहली फुर्सत में निकल ठीक है ये वाला सो so, दो पार्टी होना जरूरी है तो यहां पे उन्होंने वही एग्जांपल दिया टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देर मस्ट बी टू पार्टीज सेलर एंड बायर द सेलर बायर मस्ट बी टू डिफरेंट पर्सन बिकॉज पर्सन कैनोट बाई इज ओन गुड्स स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल एस एंड कंपनी व्हेन ऑन अ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप द दसेट ऑफ द फर्म वेर डिवाइडेड अमॉन्ग पार्टनर्स द सेल्स टैक्स ऑफिसर वांटेड टू टैक्स दिस ट्रांजैक्शन इट वाज हेल्ड दैट इट वाज नॉट अ सेल द पार्टनर्स बीइंग जॉइंट ओनर ऑफ दो असेट नॉट बोथ बी अ बायर एज वेल एज सेल क्लियर है कंसप्ट तो यहां पे बोला गया कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हुआ था और उसमें पार्टनर के बीच में असेट डिवाइड हो गई सेल्स टैक्स ऑफिसर टैक्स असेस करना चाहता था तो असेट ये सेल के लिए नहीं थे क्योंकि यहां पे पार्टनरशिप फर्म के असेट डिसॉल्व हुए हैं पार्टनर्स में ये केस तुमको फिलहाल समझ में नहीं आएगा आप इसको ऐसा लिख के रखिए पेंडिंग क्योंकि आपका पार्टनरशिप एक्ट होना बाकी है सो so, पेंडिंग लिख देना बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप एक्ट का ईयर कौन सा है नाइनटीन थर्टी टू हमारे सिलेबस में आगे आएगा टेंशन ना लो पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन दो पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशन होना चाहिए जायज रिश्ता ठीक है लीगल रिलेशन बनाना है सोशल या डोमेस्टिक टाइप के एग्रीमेंट से नहीं होने चाहिए व्हाट इज सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट तो मैं साइड में थोड़ा सा लिख रखो मैंने इसके पहले भी इसका एग्जाम्पल दिया है सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट ठीक है फॉर एग्जाम्पल प्रोमिस इन बिटवीन फैमिली प्रोमिस इन बिटवीन फैमिली जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपके डैड ने आपको आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया या आपने आपके बेटे से कॉन्ट्रैक्ट किया कि सी ए अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में पास होगा तो मैं तेरे को लेके दूंगा बाइक हार्ले डेविडसन दर इज अ प्रॉमिस बिटवीन अ फैमिली दूसरा प्रॉमिस टू अटेंड अ सोशल फंक्शन प्रॉमिस टू अटेंड अ सोशल फंक्शन ऐसा कभी होता है क्या कि भैया आपके घर पे कोई आया पत्रिका लेके अब उसने आप, उसके शादी का कार्ड आपको दिया आ, और वो कार्ड आपको देते सी वो बोला हमारी शादी में जलुल लाना फिर तुम पत्रिका पढ़ते हो उसके नीचे वो चुनु मुन्नू रहते है चुनु मुन्नू हमारे ताता की शादी में दलुल दलुल आना और चिन्नु मुन्नू फिटैड में सोए रहते पूरे शादी में याद आया मैंने आपको बोला था हाँ ना चिन्नु मुन्नू फिटाड़ में सोए रहते पूरे शादी में उनको कोई लेन नहीं रहता चाचा की शादी हो चाचा की बर्बादी हो चाचा की सुहा सुहागरात नहीं सॉरी तो उनको कोई लेना देना ही नहीं रहता चाचा की शादी से समझ में आ रहा है सबको है हाँ ना तो चुनु मुन्नू को कोई लेना देना ही नहीं है बाकी लोग उनके जबरदस्ती नाम डाले हुए बड़े होने का बाद चुनु मुन्नु भी सिर को हाथ लगाएंगे जिंदगी में क्या मेरे नाम नाम पे इन्होंने पेल दिया था लाइफ के अंदर है हाँ ना अब ऐसी तुमको अगर किसी ने पत्रिका दी दी इनविटेशन कार्ड दे दिया तुमने बोला हा हम जरूर आएंगे सहपरिवार आएंगे सबको साथ में लेके आएंगे बाजू वालों को भी लेके आएंगे ऐसा अगर तुमने उनको बोला और एन शादी के मौके पे तुम गए नहीं तुमको याद ही नहीं आया तुमने उसको ऊँगा भी नहीं तुमने उसको सुना भी नहीं शादी के आज शादी जिसके घर पे थी उसने तुमको बहुत फोन लगाया कि आ भाई आ तुमने फोन ही नहीं उठाए कभी ऐसा देखा है कि तुम शादी में नहीं गए तो जिसकी शादी थी वो पुलिस लेके घर पर आया ठीक है और तुमको गिरफ्तार करके लेके चले गए कि तुमने शादी को आने के लिए प्रॉमिस किया था और तुम गए नहीं इसलिए जिसके घर पे शादी थी वो घर पे आया तुमको बेडिया पहने, पहने और लेके गए चलो ऐसे कैसे नहीं आएंगे तुमने प्रॉमिस किया था जब पत्रिका दी थी तुमने बोला था आएंगे तुम्हारे नाम से हमने खाने के अंदर चार प्लेटें ज्यादा बोली तुम्हारे सहपरिवार के चक्कर में चार प्लेटें ज्यादा बोली ढाई सौ रुपए पर प्लेट के हिसाब से खाना बांट रहे चलो निकालो हजार रुपए उसके बाद में हम बात करेंगे कभी ऐसा होता है नहीं दीज आर दोशल एग्रीमेंट दीज आर ऐसे सिचुएशन जिनको डोमेस्टिक एग्रीमेंट कहा जाता है यह लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करते कोई भी सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट अ लीगल रिलेशन डज नॉट क्रिएट अ लीगल रिलेशन

देख तुम दोस्त के बर्थडे पार्टी में तो जाओगे ही जाओगे खाने पीने के लिए जाओगे वो नहीं बुलाएगा तो भी जाओगे उसने बोला ना मेरा बर्थडे तू बिल्कुल मत आना फिर भी तुम पहुंच जाओगे सो अगर दोस्त के बर्थडे पार्टी में तुमने प्रॉमिस किया और तुम अगर गलती से गलती से कभी एक आधी बार तुम नहीं गए तो ऐसे सिचुएशन में वो दोस्त तुमको कोई पुलिस में एफ नहीं डालता कि ये मेरा दोस्त था ये बड़ा नालायक मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आया तो दीज आर सोशल एग्रीमेंट डोमेस्टिक एग्रीमेंट ठीक है अच्छा ये चीज को याद रखना ये देखना बड़े अच्छे तरीके से एग्रीमेंट के ऊपर हस्बैंड एग्रीड टू पे हिज वाइफ सर्टन अमाउंट एज अ मेंटेनेंस एवरी मंथ ही हस्बैंड बोले वाइफ को सर्टन अमाउंट देगा अब्रॉड जाने के बाद में पता नहीं अब्रॉड कहां जा रहा है बैंकॉक तो नहीं जा रहा अरे मतलब अरे बैंकॉक वगैरह मतलब अरे अरे मतलब अरे यूएस वगैरह यूके एमस्टरडेम वगैरह ऐसी अच्छी जगह बोल रहा हूं मैं डोंट बैंकॉक सो हस्बैंड फेल टू पे द प्रोमिस्ड अमाउंट हस्बैंड फेल हो गया प्रोमिस अमाउंट देने के लिए वाइफ सुड हिम वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर अरे नहीं क्या नालायक लोगों लोगो नहीं बोलते उसको केस कर दिया बोलते उसको वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर केस कर दिया फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट हियर इन द केस वाइफ वुड नॉट रिकवर एज इट वॉज अ सोशल एग्रीमेंट एंड पार्टी डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट ए लीगल रिलेशन वाइफ पे केस नहीं कर सकती क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट था पार्टीज का कोई लीगल रिलेशन नहीं था बेलफोर वर्सेस बेलफोर नाम एक ही हस्बैंड सन, सन कैसा इंपॉसिबल प्रोमिस जिंदगी के अंदर मतलब लाइफ झंड करने वाला प्रोमिस बोले पांच लाख दूंगा अब पांच लाख के चक्कर में सीए में एडमिशन लेगा ना तो पांच साल बर्बाद हो जाएंगे लाइफ के जवानी खर्च हो जाएगी मिनिमम पांच साल का ऐसे प्रॉब्लम अपन हाँ, कर रहे सी अपने मर्जी से कर रहे हैं दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड मन मर्जी से सीए करो आगे एग्जांपल ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन कंडीशन ही मस्ट पे द अमाउंट ऑफ द गुड्स विद इन थर्टी डे हियर ए इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन विद द बी तीस दिन में आवा पैसे चुपचाप देना यह लीगल रिलेशन है एग्जाम्पल ऑफ लीगल रिलेशनशिप अ नेकलेस हसबैंड ने शादी की भूल गया ठीक है शादी का बर्थडे भूल गया सवेरे से वाइफ गुस्सा थी हस्बैंड को समझ में भी नहीं आया वाइफ क्यों गुस्सा है शाम को बच्चों ने याद दिलाया पप्पा तुम्हारी शादी की सालगिरह है हसबैंड को ओ माय गॉड हसबैंड गया प्यार से पत्नी के पास पत्नी बोलती है hmm. मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी हसबैंड बोलता है ए, प्लीज सुन्ना पत्नी बोल रही हो तुम्हें हमारे शादी का बर्थडे भी याद नहीं रहा हस्बैंड बोलता है प्लीज मेरी जान सुन ले बोलते हैं तुम्हें तो मेरी कदर ही नहीं है तुम तो मेरे से बात ही नहीं करते मेरी तरफ ध्यान ही देते मेरा तो चक्कर रसोई में ही चला गया सक्रा हस्बैंड बोलता है सुन तू अगर मेरी बात सुनेगी ना तो मैं तेरे को एक हीरे का हीरे का नेकलेस गिफ्ट करूंगा हीरे का नेकलेस गिफ्ट करूंगा वाइफ थोड़ी सी शर्माती है हीरे का नेकलेस सच्ची पक्का देख लो हीरे का नेकलेस पक्का दोगे ना हाँ मैं तो देख लो मैं बात नहीं करूंगी तुमसे हस्बैंड बोलता है हा दे दूंगा मेरी माँ मां मतलब मेरी बीवी दे दूंगा अब यहां हसबैंड ने प्रॉमिस किया हीरो का नेकलेस क्या देना कंपलसरी है कंपल्सरी है अगर नहीं दिया तो वाइफ पुलिस में जाके नहीं कर सकती हस्बैंड को कुकर से मारे तवे से मारे पैन से मारे कढ़ाई चमचे झारे से मारे बर्तन से मारे बेलन ले और अरे बेलन ले और ऐसा मार दे बोल रहा हूं मैं तुम अजीब चीजें जिंदगी के अंदर मत सोचो ठीक है तो ये हो सकता है पर हस्बैंड के खिलाफ एफ नहीं हो सकता यह चीज को तुमने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है ठीक है नेक्स्ट वाला अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कम्प्लाइड ये चीज भी यहां पे मेंशन करके रखी है ठीक है ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए स्पोकन नहीं होना चाहिए लीगल इफेक्ट होना चाहिए ये भी मैंने बोला वर्ड ऑफ माउथ वाला कॉन्ट्रैक्ट वाइड रहेगा ये हो नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल होना चाहिए कंसेप्ट समझ में आ रहा है <coughs> कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग फॉर दर सर्टन कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स फॉर वैलिड सर्टन इमोबल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बोला था ना इमोबल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट आओ कभी हवेली पे के ऊपर ही वैलिड रहता है ठीक है सो मेड इन अ राइटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस विटनेस के प्रेजेंस में करना जरूरी है सर्टनिटी ऑफ मीनिंग एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन एंड नॉट वेक टू बी एग्रीमेंट सर्टन होना चाहिए इंडेफिनाइट नहीं होना चाहिए A agrees to sell 100 कौन से ऑयल की बात कर लगाने वाला मतलब बालों में लगाने वाला ऑयल वाल, मालिश करने वाला ऑयल बोल रहे हो तुम ना लख लो आगे पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना दर्म ऑफ एग्रीमेंट कुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस ठीक है परफॉर्मेबल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक वो नहीं क्या जादू टोना करते हैं लोग किस किस चीज के लिए तुम्हें देखो तुम तो लड़की वड़की तुमसे पट्टी नहीं तो तुमने ना कॉन्ट्रैक्ट <laughs> है तो बड़े अच्छे से ध्यान देना ठीक है समझो राज जो है हमारा राजभा राजा। राजा, राजा राजा कले में से समाज ये राजा के ऊपर गाना ये राजा 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 वाला ठीक है एक बार राजा जो है वो परेशान होके परेशान होके पहुंच गया फॉर एग्जाम्पल किसके पास वेदा के पास वेदांश के पास वेदा पता है वेदा जादू टोने वाला आदमी था काला जादू वाला जादू करता था जादू टोना करता था काला जादू वाला जादू वेदा करता था जादू टोना करने की वेदा को बहुत आदत थी सो so, राजा वेदा के पास पहुंचता है राजा वेदा को अपना प्रॉब्लम बताता है जन्म जात जिंदगी सिंगल है और सीए के आने सीए में आने के बाद तो झंड है ठीक है आपको शायद नहीं पता फेसबुक को हमने अप्लाई किया है फेसबुक के ऊपर अलग अलग स्टेटस होता है ना फेसबुक के ऊपर स्टेटस होता है कि भैया सिंगल कमिटेड उसके बाद में कॉम्प्लिकेटेड ठीक है तो हमने फेसबुक को अप्लीकेशन किया है कि भैया सीए के बच्चों के लिए एक स्पेशल स्टेटस डलवाए झंड ठीक है ये स्पेशल जलवाए क्योंकि ना ही ये सिंगल है ना ही कमिटेड है ना ही कॉम्प्लिकेटेड है अगर तुम सिंगल भी रहे तो भी झंड है कमिटेड है तो भी झंड है कॉम्प्लिकेटेड है तो भी झंड है तो यहां राजा गया वेद्या के पास और राजा ने वेदा को बोला मैं जन्म सिंगल हूं भाई कोई ऐसा टोटका कर दे कोई ऐसा जादू कर दे कोई ऐसा करणी कर दे कि भैया मेरे को गर्लफ्रेंड मिल जाए वेद्या ने और इस चीज के लिए राजा ने वेद्या को दिया दस लाख रुपए बोले दस लाख रुपए ले पर तोटका कर नहीं करवा दे कि लड़की पट जावे वेद्या ने निकाला एक नींबू नींबू के अंदर चुभा दी एक सुई ठीक है उसके ऊपर लाल कलर का लगा दिया टिक्का ठीक है सुई चुभो के लाल कलर का लगा दिया टिक्का साइड में एक डॉल दे दी वो डॉल आती है ना काले कलर की काले कलर की डॉल साली माय मिस्टेक साइड में एक डॉल दे दी काले कलर की बकायदा ठीक है तुम डॉल देखी होगी ना डॉल आती है ना ठीक है साइड में एक डॉल दे दी ये और दोनों चीजें उसने दे दी किसको दिए दोनों तीनों चीजें निकाल के लींबू के अंदर चुभाई हुई टिक्का और डॉल ये किसको दिए डॉल ऐसे नहीं है मिस्टेक वेरी सॉरी कब याद आया मेरे को कुछ ऐसी होती है वो डॉल दे दी और ये देखे उसको बोला कि आज रात को 12 बजे <laughs> आज रात को 12 इन द नाइट तूने जाना है जो लड़की तेरे को पटानी है वो लड़की के घर पे और उसके दरवाजे पे उसके दरवाजे के ऊपर ये नींबू लगा देना दरवाजे के ऊपर नींबू लगा देना और डॉल रख देना दरवाजे को बांध के सवेरे जैसे ही वो घर के बाहर आएगी नींबू के ऊपर पैर रखेगी उसको तेरे लिए ती, उसके मन में प्यार जाग जाएगा नींबू के ऊपर पैर रखेगी उसके मन में तेरे लिए प्यार जाग जाएगा वेदा ने मस्त जाडू रोना करके राजा को दे दिया राजा गया रात को बारह छुप छुपा के उसके दरवाजे के अंदर उसने नींबू रख दिया और वेट करने लगा वेट करने लगा करने लगा सवेरे उठते से ही देखता है तो क्या दरवाजा खोल के उसके घर के काम वाली बाई आई और काम वाली बाई ने नींबू के ऊपर पैर रख दिया और लड़की तो रह गई साइड में काम वाली बाई को ही राजा से प्यार हो गया <laughs> पहली बात दिस इज दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म ये कॉन्ट्रैक्ट है जो क्या है बोले एक बार इम्पॉसिबल टू परफॉर्म समझ में आ रहा है सबको हार ना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आप किसी के साथ नहीं कर सकते नहीं तो भैया लड़की रह गई साइड में काम वाली भाई से प्यार हो जाएगा जिंदगी के अंदर कंज समझ में आ रहा है सबको हार ना ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिंदगी में नहीं करने चाहिए लेने के देने पड़ सकते हैं लाइफ के अंदर समझ में आ रहा है सबको हार ना चलो बहुत बढ़िया शानदार देखो कैसी बाहर आई दांत निकाल निकाल के हंस नाला लो नालाय को बाजू वालों की भी दांत निकाल के हंस लो तुम जिंदगी के अंदर अगला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट एन एग्रीमेंट इन द फर्स्ट वेरी सॉरी बेटा हाथ जोड़ के पैर पड़ गए माफी बेटा कार्यक्रम की सभी पात्र घटना है काल्पनिक है वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है यदि किसी घटना के साथ समानता होती है मात्र सही हो राजा गायबी हो गए जिंदगी में मेरे भाई राजा ऐसे गायब मत हो जाए डर लगता है जिंदगी में ले गो स्टार्ट करते चलो बहुत बढ़िया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एन एग्रीमेंट ठीक है एवरी प्रोमिस और एवरी सेट ऑफ रेसिपरकल प्रॉमिस फॉरमिंग कंसिडरेशन टू इच अदर इज एन एग्रीमेंट अ प्रपोजल वेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस ये टू बी के अंदर लिखा हुआ है और इसको हम ऑलरेडी जानते हैं मेरा भाई राजा तुमने तुम नालायक लोगो तुम्हारे चक्कर में राजा भाग्या तुम ना तुम्हारे तुम नालायक लोगों की वजह से मेरे प्यारे नालायक बात ही नहीं करनी मेरे को उसको बोलना ही नहीं है सभी नालायक लोग बैठे पड़े हैं यहाँ पे बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल चलो सो so, ऑफर हमेशा ये ऑफरर देगा एक्सेप्टेंस ये ऑफर ही देगा ऑफरर और ऑफर मतलब जो ऑफर देता है वो ऑफरर और जो एक्सेप्टेंस देता है वो ऑफर ही ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड मस्ट बी अनकंडीशनल बस इतना बोला है नीचे आता है फ्री कंसेंट टू और जब दोनों लोग एक ही चीज के ऊपर स्टूड एज अइडेंटिटी ऑफ द माइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग टर्म्स विज कंसेंस एड एडम फर्दर सच कंसेंट मस्ट बी फ्री कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड एज अंसेंट इफ इट इज नॉट कॉज बाय कोअन कंसेंट को हम फ्री कंसर्न बोलेंगे अगर वो कॉरेशन से नहीं बनाए अंडर इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से नहीं बना है कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रख लेना क्लियर है कॉन्सेप्ट ए हु ओन्स अ टू कार सेलिंग अ रेड कार टू बी बी थिंग्स दैट ही इज परचेसिंग अ ब्लैक कार देर इज नो कंसेंसस एट एडम ठीक है ए ने के पास दो कार थी उसने बोला मैं तेरे को कार बेचना चाहता हूं रेड कार बी सोचता है अरे यार ये तो ब्लैक कार बेचना चाहता है ए सोच रहा था रेड कार बी सोच रहा था ब्लैक कार कंसेंस एड एडम नहीं है। एडम को आप कह सकते हो बच्चों मीटिंग ऑफ माइंड मीटिंग ऑफ माइंड मतलब दोनों लोग सेम चीज सोच रहे हैं बोथ पार्टीज के रखो इसको एग्री ऑन सेम थिंग दोनों पार्टीज एक ही चीज के ऊपर एग्री कर रहे हैं इसे हम कहते है, हैं मीटिंग ऑफ माइंड सबको कंसेंसस अगर मीटिंग ऑफ माइंड से नहीं है तुम सोच रहे हो तुम कार बेचोगे बीएमडब्ल्यू सामने वाला सोच रहा है कि यार ये या नैनो की बात कर रहा है या तुम सोच रहे हो नैनो बेचोगे सामने वाला सोच रहा है बीएमडब्ल्यू मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हो पाएगा क्लियर है सो यहां पर

रीड कर लिया सबने बहुत बढ़िया यह चीज होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट वाले कंटेंट के ऊपर जो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज ठीक है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज स्क्रॉल डाउन किस बात के लिए सर स्क्रॉल डाउन क्यों जिंदगी में अब हम जा रहे हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के ऊपर पुराधान बोर्ड के ऊपर कैपेसिटी के टू तो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स लीगल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन एंटर इन टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी मतलब लीगल एबिलिटी पर्सन की कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर पाए ठीक है? अगर पर्सन कंपीट टू कॉन्ट्रैक्ट तभी है अगर वो मेजोरिटी के एज का है साउंड माइंड का है और एक्ट ने उसको डिस्कालीफाई नहीं किया है जैसे मैंने आपको बोला कि भैया कौन कौन क्वालिफिकेशन ए अठारह साल का होना चाहिए कम से कम क्वालिफिकेशन बी वो साउंड माइंड का होना चाहिए ल्यूनेटिक इडियट या ड्रंकन इंटॉक्सिकेटेड नहीं होना चाहिए ठीक है ल्यूनेटिक मतलब जिसको जिंदगी के स्टार्टिंग में ही एक दौरा पड़ता है और जिंदगी भर कंटिन्यू रहता है जैसे पप्पू पप्पू को जिंदगी स्टार्टिंग में ही एक दौरा पड़ा और जिंदगी भर कंटिन्यू चल रहा है क्या बोलता है क्या समझ में नहीं आता है समझ में आ रहा है तो पप्पू दूसरा ल्यूनेटिक ल्यूनेटिक का मतलब होता है सॉरी ल्यूनेटिक का मतलब होता है कि भैया पूरा साल अच्छा रहता है सिर्फ होली दिवाली दशहरा गया ऐसा रहता है ना कुछ लोग बीच बीच में दौरे पड़ते हैं वो ल्यूनेटिक ड्रंकन दो पेग मार लिए जिंदगी के अंदर दो पेग मार के कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहे है तो ऑब्वियसली बात से कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पे समझ में तो ड्रंकन इंटॉक्सिकेटेड समझ में आ रहा है सबको हाँ ना क्वालिफिकेशन सी पर्सन एंटरिंग इंटर कॉन्ट्रैक्ट शुड बी डिसक्वालिफाइड बाई स्टेटस बाय लॉ जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला था अलायन एनिमी फॉरेन डिप्लोमैट एंड कॉन्ट्स ये तीन लोग आर इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है क्लियर सबको सब हा तो यहां पर्सन डिस्कालीफाइड बाई जो लॉ है वहां पर लिखिए दट इज अलायन एनिमी देखो कि, कितने खुश ना लगे दारू की एक्टिंग लोग खुश जिंदगी में सो अलाय एनिमी फॉरिन डिप्लोमैट एंड कॉन्फिक्टे लोग है जो डिसक्वालिफाइड है फॉर बींग कॉन्ट्रैक्टिंग पर्सन ठीक है यह चीज होने के बाद में अगला <coughs> अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा हो और प्रेशर में आगे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है दैट इज अर्शन कॉर्शन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है बेटा ठीक है आगे सो so, कृतार्थ याद रखना कंसिडरेशन इट इज रेफर टूअ इड प्रो क्यू समिंग इन रिटर्न क्वाइड प्रो क्यू का ही मीनिंग होता है समथिंग इज रिटर्न तुम जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तुमको बदले में कुछ रिटर्न में चाहिए अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ मे कंसिस्ट इधर सम राइट इंटरेस्ट प्रॉफिट बेनिफिट टू द वन पार्टी और सम फोर बियर डिटर डिटरमेंट लॉस रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन सफर्ड अंडर टेकन बाय अदर फॉर एग्जाम्पल एग्रीज टू सेल हिज बुक्स टू बी फॉर रूपीज हंड्रेड B promises rupees hundred is a consideration for A's promise to sell books. Promise to sell books is considered B's promise to pay hundred. याद है मैंने आपको दो promises बोले थे एक जो बंदा परफॉर्म करेगा बुक सेल का और एक जो पर्सन सौ रुपए देने का प्रोमिस करेगा ये दो प्रोमिस कॉन्ट्रेक्ट बनाने के लिए जरूरी है नीचे सेक्शन स्टेट दैट कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल इज अ प्रोहिबिटेड बाय लॉ और वो डिफीट प्रोविजन ऑफ लॉ फ्रॉडुलेंट और इनवॉल्व इंजुरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी और पब्लिक अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी एक्सेट्रा लॉफुल मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा अगर ये लॉफुल नहीं है तो तो यहां पे जितना भी कॉन्ट्रैक्ट लिख के रखा है आप इसको मांग सकते हो दीज कॉन्ट्रेक्ट आर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जहां पर कंसिडरेशन इन या इम्पॉसिबल है तो नीचे एक दो एग्जाम्पल देके रखे हैं आप उसको पढ़ लीजिए फिर उसके बाद में हम जाएंगे नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड पे गो फॉर इट फास्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया वेदांश तो ऑब्वियसली जिस पर्सन को कंसिडरेशन मिला है उसको रिटर्न करना पड़ेगा सिंपल एज दैट वॉइड होने के बाद में पुड पार्टीज इन पोजिशन दैट कॉन्ट्रैक्ट डिड नेवर हैपन यही समझाया जाता है शाल डन एवरीबडी बड़े अच्छे से बोलना चालो डन एवरी बडी बहुत बढ़िया ओके सर सौ किलो कोकेन बिक गया नीचे हैं जिंदगी में क्या बोल रहे हो ये लास्ट नॉस्ट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्पेसिफिकली वाइड डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए जैसे एग्जांपल थ्रेट टू कमिट अ मर्डर थ्रेड टू कमिट अर्डर मेकिंग पब्लिशिंग डिफामेटरी स्टेटमेंट एंटर इंटू एग्रीमेंट अपोज टू दब्लिक पॉलिसी इल्लीगल इन नेचर सिमिलरली एनी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मैरिज लीगल प्रोसीडिंग आर क्लासिक एग्जाम्पल्स ऑफ द वर्ड एग्रीमेंट अब इसको आपने थोड़ा सा पेंडिंग रखना यह जितने भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बोले है या आगे आने वाले हैं एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी में ठीक है पुलिक 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 तो इसको थोड़ा पेंडिंग रखना सिर्फ आप फिलहाल कोकेन सफीम गांजे वाले कॉन्ट्रैक्ट पे याद रखना जो इलीगल डिक्लेयर किए हैं और उसी हिसाब से मानना जरूरी है बढ़ते हैं आगे अगली चीज के ऊपर हम बढ़ रहे हैं अगला है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां पे मेंशन किए गए हैं। बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना बहुत अच्छा चार्ट है बड़े अच्छे से ध्यान दो लेट्स गो इसमें जितने भी वर्ड दिए हैं डिफेमेटरी पब्लिक पॉलिसी रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मैरिज सब होल्ड करो ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट आगे आने वाले हैं फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा ठीक है कुछ लेक्चर्स में आ जाएगा डोंट वरी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अब बड़े अच्छे से ध्यान देना यह सीरियस वाला मैटर है थोड़ा मस्ती मजाक साइड में बट यहां पे अलग अलग टाइप से आपके सभी कॉन्ट्रैक्ट एटलीस्ट आपको याद रहने चाहिए सबसे पहले टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन

कॉसी कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉमर्स के कॉन्ट्रैक्ट जैसे एमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह वाले ये फॉर्मोलिशन के हिसाब से परफॉर्मेंस के हिसाब से एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है ये है एग्जीक्यूशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट अब एक एक को हम देखेंगे बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना मैं यहां पे एक और चार्ट बनाना चाहूंगा आपके लिए सो so दैट आपको इन चीजों को समझ में आ जाए ठीक है सो सबसे पहले वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी के हिसाब से चार्ट बनाते हैं आ जाइए बच्चों वैलिडिटी एंड एनफोर्सिएबल इसको हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट पार्ट्स में सबसे पहले पार्ट के ऊपर मैं जा रहा हूं जिसको कहा जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नाउ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहले टेक्स पढ़ेंगे आ जाइए एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सिएबल ऐसा एग्रीमेंट जो बाइंडिंग है बाइंडिंग का मतलब होता है दोनों पार्टी जिसमें बाउंड है बंधे हुए हैं दोनों को परफॉर्म करना जरूरी है बाइंडिंग मतलब बंधे हुए होना कॉन्ट्रैक्ट से बंध जाना एंड एनफोर्सिएबल मतलब आप इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो एग्जीक्यूट करवाना हर वर्ड का मीनिंग बोल रहा हूं बेटा बंध जाना और एग्जीक्यूट करवाने लायक कॉन्ट्रैक्ट है तो वैलिड है इट कंटेन ऑल इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जाम्पल ए आस्क बी इफ ही वॉन्ट टू बाय हिज बाइक फॉर टेन थाउजेंड बी एग्रीज टू बाय अ बाइक इट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ हेंस इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बाइक बेचना लीगल है कंसिडरेशन भी लीगल है एग्जीक्यूट भी हो सकता है पैसे भी दिए जा सकते हैं बाइक भी दी जा सकती है बाय लॉ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा द कॉन्ट्रैक्ट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सिएबल By law and complies all essentials of contract is valid contract is valid contract full stop. इसे हम कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने यहां पे जो बोला है उसी सेंटेंस को वहां पे रिपीट किया क्लियर दूसरा अ कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ समझ में आ रहा है क्या मुझे एक बार कमेंट करना कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम वॉइड वेन इट सीज टू बी एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट जब सीज हो जाएगा एनफोर्सिएबल बाय लॉ तब वॉइड होगा अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच कैनॉट बी एनफोर्स बाय कोर्ट ऑफ लॉ वॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो है जो कोर्ट ऑफ लॉ से एनफोर्स नहीं हो सकता मतलब आप कोर्ट में भी लेके जाओ तो भी कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकता वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है फॉर एग्जाम्पल एक्स एग्रीज टू राइट अ बुक विथ अ पब्लिशर सच अ कॉन्ट्रेक्ट इज वॉलिड हाउ एवर आफ्टर फ्यू डे डेज एक्स डाइज विथ एन एक्सीडेंट एक्स ने पब्लिशर के साथ में बुक प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया राइटर था एक्स एक्स मर गया

ड्यू बीन बाय वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ रहा है बच्चों कृपया मुझे बताते रहना कॉन्ट्रैक्ट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ और कोर्ट ऑफ लॉ इज़ वाइड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ टू थिंग्स बिकॉज ऑफ टू थिंग्स इधर इंपॉसिबल टू परफॉर्म एक तो इम्पॉसिबल हो गया टू परफॉर्म और और, दोनों के बीच में और है डिक्लेयरड एज इलीगल ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है ऊपर के चार्ट में बट फिर भी वॉय कॉन्ट्रैक्ट समझाने के लिए मैंने इसको यहां पे लिख के रखा कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ और कोर्ट ऑफ लॉ इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ टू थिंग्स इधर इंपॉसिबल टू परफॉर्म और डिक्लेयर टू बी इलिगल क्लियर समझ में आ रहा है सबको बड़े अच्छे से फिर जाते हैं तीसरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वॉयडेबल अच्छा वॉयडेबल अब बहुत खूंखार है खतरनाक है बड़े अच्छे से ध्यान देना बड़े शांति से पढ़ूंगा सीरियसली मुंडी वीट को स्ट्रेट बैठो एकदम ताकत से ध्यान देना तो समझ में आएगा एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज दे आर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदरस इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सर पढ़ लिया पर घंटा समझ में नहीं आया मेरे को मालूम है एक मिनट देता हूं गुस्से से देखो इसको जितना गुस्सा तुमको तो मेरा आ रहा होगा ना कि आदमी खाना वाना खाने नहीं जाने दे रहा कितनी देर से पढ़ाई रहा है पढ़ाई रहा है जिंदगी झंड करके कर रखा है जितना गुस्सा है ये सेंटेंस के ऊपर निकालो गुस्से से देखो इसको जोर से देखो ऐसा देखो कि जल जावे सेंटेंस डन एवरीबडी सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ ओनली वन पार्टी एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी सर क्या बवाल है जिंदगी में क्या बता रहे हो तो मैं यहां लिखता हूं एग्जाम्पल भी दूंगा जस्ट वेट सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वी नीड स्पेस हियर वॉइडेबल Contract When contract is enforceable at option of one party. Only one party only and not at option of other parties, then contract is voidable. डेफिनेशन है टू आई में वॉर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कॉन्ट्रेक्ट टू इफ एम नॉट रॉन्ग वर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज गिवेन अंदर इीगल टू जी वर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू एच जे के अंदर भी आएगा ठीक है सो वॉर्डेबल वेन कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी ओनली एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टीबल कोई एक पार्टी वन पार्टी और मोर लिख सकता हूं मैं वन पार्टी और मोर ओनली एंड नॉट एड ऑप्शन ऑफ अदर पार्टीजन कॉन्ट्रेक्ट इज अवेबल फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसका देना पड़ेगा उसके से नहीं समझ में आएगा बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर देना समझो सोनिया जो है सोनिया ठीक सोनिया का अपन नाम चेंज कर देंगे पात्र घटना है काल्पनिक सोनिया बेटा सोनिया है. सोनिया ने एक दिन क्या किया करीना कपूर के गले में करीना कपूर के गले में सैफिना के गले में सोनिया ने एक हीरो का हार देखा और सोनिया बोली अरे वाह क्या सुंदर हार है ये मुझे चाहिए पर सैफीना का हार था हार की कीमत थी रुपए दस करोड़ हीरो का हार दस करोड़ का हार सोनिया बोली हार मुझे चाहिए पर ले कैसे तो सैफीना का जो बेटा था ना तैमूर उस तैमूर को सोनिया ने किडनैप कर लिया तैमूर इज किड सोनिया ने उसको नैप कर लिया तो किडनैप हो गया सोनिया ने तैमूर को किडनैप किया और बोला कि ये जो हीरो का हार है ये हार मुझे रुपए दस में बेचो दस रुपए में मुझे यह हार सेल करो मैं तुमको दस रुपए दूंगी फिर ही मैं तैमूर को घर जाने दूंगी तैमूर परेशान हो गया सोनिया से बोले कैसी लड़की है हार के लिए बच्चे को किडनैप कर लिया अब ऐसे केस में ऐसे केस में सैफिना के हाथ में है समझो अब सैफीना हीरो का हार देने वाली थी बीच में पुलिस ने सोनिया को पकड़ लिया और तैमूर को किडनैपिंग से रिलीज कर दिया और तैमूर घर पे आ गया ठीक तैमूर घर पे आ गया कॉन्ट्रैक्ट तो इन्होंने कर लिया मतलब बॉन्ड वॉन्ड पेपर के ऊपर तैमूर जब किडनैप था तो बॉन्ड पेपर के ऊपर सैफिना ने साइन भी कर दिया था कि हां हम दस रुपए में हार बेचेंगे दस करोड़ वाला कॉन्ट्रैक्ट तो इन्होंने कर दिया बट बाद में तैमूर रिलीज होकर घर पर आ गया नाउ सैफिना विल डिसाइड तो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है सैफिना कॉन्ट्रैक्ट और नॉट कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ सैफिना ऑप्शन ऑफ सोनिया कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ सैफिना बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ सोनिया दिस इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रेक्ट वेना कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी सैफिना और मोर सैफिना दो लोग है सैफली और Karina, ठीक है एट ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर अब सोनिया यहां पे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तैमूर रिलीज हो चुका है ठीक है सोनिया बैठी रही बोले क्या यार ये मुझे हार देंगे या नहीं देंगे दस रुपए का कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे पास है तो यहां पर सोनिया कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं कर सकती बट सैफीनाथ चाहिए तो हो सकता है दस रुपए में हार सोनिया को दे दे आप बोलोगे सर सैफीना क्यों देगी दस रुपए में हार हो सकता है कि भैया तैमूर जब रिलीज हुआ और घर पे वापस आया तो सैफिना ने देखा कि यार सोनिया ने तैमूर की बहुत अच्छी केयर की है जितने वो भी नहीं कर सकते सोनिया ने तैमूर को काफ़ी अच्छे संस्कार डाले हैं वो सुबह शाम उठ के भगवान की आरती करने तैमूर उठ के सुबह शाम भगवान की आरती करने लगा पूजा पाठ करने लगा सोनिया के साथ रह रह के ठीक है उन्होंने देखा कि तैमूर एकदम सात्विक फूड खाने लगा जंक फूड उसने छोड़ दिया चॉकलेट वॉकलेट तो मांगता भी नहीं था ऐसा उन्होंने देखा वो सुबह शाम वेदों के पठन कर रहा है सदा सर्वदा शुभम करोती है सर नो तो ऐसे मतलब अच्छी अच्छी आदतें लग गई दो तीन महीने सोनिया के साथ रह के सैफिना खुश हो गए बोले हम जो जिंदगी भर अचीव नहीं कर पाए सोनिया ने अचीव कर दिया तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्स करना चाहते हैं दस रुपए वाला हो सकता है हो सकता है जो जिंदगी पर अचीव ना कर पाए सोनिया ने एक दो महीने के अंदर अचीव करवा दिया हो सकता है तो इन्होंने अब ये सैफिना डिसाइड करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट उनको एग्जीक्यूट करना है या ये कॉन्ट्रैक्ट उनको एग्जीक्यूट नहीं करना है क्लियर है अब यहां कुछ बच्चे बोलेंगे पर सर कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड है कॉन्ट्रैक्ट तो है बेटा कॉन्ट्रैक्ट इलिगल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड पेपर के ऊपर हुआ है कि हार मिलेगा बदले में दस रुपए है इनिगल जो था वो था किडनैपिंग वो अलग कॉन्ट्रैक्ट है जो था वो था किडनैपिंग वो अलग कॉन्ट्रैक्ट है यहां सैफीना के ऊपर टोटली डिपेंड करता है क्योंकि बदले में हार जा रहा है बदले में दस रुपए जा रहे हैं भैया हार जा रहा है बदले में दस रुपए प्रॉमिस है और अगर सैफी लगता है कि भैया सोनिया ने हमारे बच्चे के अंदर चेंज कर दिया ठीक सुबह उठ के पूजा पाठ कर रहा है सात्विक खाना खा रहा है रात को सोने के बोल, पहले प्रार्थना बोल रहा है देवों की पूजा उजा सब वो कर रहा है ना बोले हम खुद नहीं कर पाए तुम कर पा रहे हो जिंदगी के अंदर बोलो हा है ना तो ऐसे केस में हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड करे किडनैपिंग इज अ डिफरेंट एरिया बट ये वाला कॉन्ट्रैक्ट बकायदा बॉन्ड पेपर के ऊपर है भले ही कोर्शन में किया गया हो भले ही प्रेशर के अंदर किया गया हो पर कॉन्ट्रैक्ट तो है तो सैफीना कैन डिसाइड विदर टू एक्जीक्यूट इट और नॉट सो वेन वन पार्टी है ऑप्शन

समझ में आया है क्या अबे सब बाजू में रह गया कंसेप्ट बोल रहे करंट सर बोल रहे थे आप डेटिंग टिप्स देते हो कोई बोल रहा है नीले को लाओ सोनिया बोल रही है मैं खुद बच्चों को खुद को नहीं संभाल पाती बच्चों को क्या संभालूंगी क्या चल रहा है जिंदगी के अंदर चलो बहुत बढ़िया शानदार समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट इसी को कहते हैं वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर अभी भी समझ में नहीं आया एक और एग्जाम्पल देते एक और एग्जाम्पल देते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल समझो एक और एग्जाम्पल करते हैं कार्तिक कार्तिक का एग्जाम्पल लेते हैं कार्तिक मोदी का कात्या कार्तिक को इसके बाद में हम बोलेंगे कात्या ठीक है <coughs> बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल कार्तिक ने कात्या ने कॉन्ट्रैक्ट किया <coughs> किसके साथ में तो कार्तिक ने कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर एग्जाम्पल चेता के साथ में चेट्या काटा ने कॉन्ट्रैक्ट किया चेटा के साथ कि चेट्या से काटा एक एक कार परचेस करेगा कार परचेस करेगा ठीक है और ये कार भी ना कौन सी नॉर्मल वाली नहीं लिंबुरनी कार परचेस करेगा देखी देखिए कभी तुमने ऐसी होती है मस्त एकदम स्पोर्ट्स कार मस्त वाली स्पोर्ट्स कार स्पोर्ट्स कार है मैं बोल रहा हूँ यह स्पोर्ट्स कार है मतलब स्पोर्ट्स कार है तुमने ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है मैं बोल रहा हूं यह स्पोर्ट्स कार है दैट मीनस इट इज अ स्पोर्ट्स कार सो यह स्पोर्ट्स कार थी समझ में आ रहा है सो so सुटा ने कॉन्ट्रैक्ट किया चेटे से कि वो लिंबुरनी परचेस करेगा चेटे से सो so ये लिंबुरनी है तो मैं लिख भी रख दू लिंबरगिनी द स्पोर्ट्स कार ठीक है सो काटा ने चेटा से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो लिंबुरनी परचेस करेगा समझ में आ रहा है सबको हाँ ना ये इधर काटा बैठा है काटे इधर स्टेरिंग व्हील ठीक है और ये चेयर ठीक है हाँ सो लिंबरगिनी स्पोर्ट्स कार परचेस करेगा काटा ने चेटा से ये किया और उसके लिए काटा ने जो है ना चेटा को दिया रुपए पांच करोड़

ऐसी तो दिखती है ना जिंदगी के अंदर नहीं ऐसी नहीं दिखती सॉरी ने की कार ठीक है दस लाख का खर्चा लगाया लगा पूरा पेंट वेंट करके नैनो बना दी लिंबुरी में चेत्या ने चेता बेकार आदमी था चेता को कोई भरोसा नहीं तो चेत्या ने सरासर यहां पे कर दिया फ्रॉड काटा कार लेने आया उसने कार देखी कार तो लिंबोर गिनी लग रही थी काता बोले मैं टेस्ट राइड ले सकता हूं चेता बोले हाँ काता ने कार निकाली एक्सीटर को को लगा अब लिंबोर गांच सेकंड के अंदर जीरो नौ... से हंड्रेड भागती है भाई पांच सेकंड भी नहीं दो तीन सेकंड के अंदर जीरो से हंड्रेड की स्पीड पे भागती है चेता बोले अभी मैं दो तीन सेकंड तक अगर पे पैर लगाऊ लिंबुरनी भागेगी दो सौ तीन सौ दो सौ के ऊपर जाएगी अगर मैं पांच सेकंड तक लगाऊ दो सौ की स्पीड में अगर मैं दस सेकंड लगाऊ तो हवा के साथ बातें करेगी दिखेगी इतनी लिंबर गिनी वैसा डिसाइड किया कात्या ने चेता को बोल के और उसने एक्सिलेटर पर पैर दबाया कात्या ने देखता है तो क्या गाड़ी भाग रही है तीस चालीस किलोमीटर पर आर की स्पीड से तीस चालीस किलोमीटर पर आर की स्पीड से गाड़ी भागने लगी कात्या देखने लगा जिंदगी के अंदर ये कैसी कार है गाड़ी चल रही थी स्पेयर पार्ट बजना शुरू हो गया जैसे कोई ताशा हो जैसे शादी के अंदर का कोई बैंड हो स्पेयर पार्ट बजने शुरू हो गए गाड़ी जोर से भागने लगी और स्पेयर पार्ट बजने लगे जोर से मतलब गाड़ी आ गई साठ किलोमीटर पर आर के स्पीड के ऊपर और ज्यादा जोर जोर से भागने लगे स्पेयर पार्ट बजने लगे एड में काते बोले क्या बना दिया चेता साइड में बैठा था चेता बोले वो ना पैसे कम थे ना तो ना नैनो का लिंबोरगिनी बनाया नैनोरगिनी काटा बोले लिंबोरगिनी नहीं है दिस इज नॉट अ नैनो दिस इज नॉट अ लिंबोरगिनी इट इज अ अनी भी ठोको तुमको डैमेज होगा ही नहीं सो ये बना दी भैया नैनोरगिनी अब मुझे एक बार बताओ ये चलेगा क्या ये चलेगा क्या पर अब कात्या का वर्ल्ड टूर का डेट फिक्स था कात्या वर्ल्ड टूर के ऊपर लेके जाना था उसके गर्लफ्रेंड को कात्या की गर्लफ्रेंड की गर्लफ्रेंड का नाम था एलिजाबेथ गर्लफ्रेंड को काते को लेके जाना था और गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया था लिंबोर में लेके जाएगा वर्ल्ड कोर्ड का डेट कल का था पासपोर्ट वासपोर्ट बन चुके थे अलग अलग कंट्रीज ने डेट वाइज वीजा भी देके रखे थे बोले यार अब क्या करूं नाउ दिस इज एट द ऑप्शन ऑफ ऑफ द द द कात्या कात्या दिस इज एट ऑप्शन कि वो डिसाइड कर सकता है कि वो ये नैनोरगिनी रखेगा या नैनोरगिनी देगा क्योंकि देखो डेट्स ड्यू है गर्लफ्रेंड को पटाके रखा हुआ है वीजाज बने हैं डेट बने है, अब इसको गाड़ी चाहिए तो ये बोला कि यार अब एक काम करते हैं अब काता डिसाइड करेगा वेदर टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको कहा है ना दिस इज दिस इज कॉल्ड एज वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट काता डिसाइड करेगा चेत्या डिसाइड करेगा क्या नहीं काता डिसाइड करेगा वेदर टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट दिस इज वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया क्या बड़े अच्छे तरीके से बोलना बड़े जोर से बोलना आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट ठीक है सो so, ये हो गया बच्चों वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट मैंने वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट बड़े ताकत से यहां आपको एक्सप्लेन करके रखा है फिर वॉयडेबल और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस लिख के रखा है ठीक है फिर आता है इनगल कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट मैं एक बार पढ़ लू ठीक है इनिगल कॉन्ट्रैक्ट विच इज लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड ठीक है इनिगल कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ ने फॉरबिड किया है बनाने के लिए ठीक है इन एग्रीमेंट आर वॉइड बट ऑल वर्ल्ड अग्रीमेंट आर नॉट नेसेसरीली इनिगल इलीगल एग्रीमेंट हमेशा वाइड होती है बट हर वर्ल्ड अग्रीमेंट इलीगल होना जरूरी नहीं है क्योंकि भैया वर्ल्ड अग्रीमेंट पॉसिबिलिटी इंपॉसिबिलिटी के हिसाब से भी वाइड हो सकती है इलीगल अग्रीमेंट गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है इसलिए इलीगल होती है नीचे कॉन्ट्रैक्ट दट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इीगल इन नेचर पब्लिक के खिलाफ जो कॉन्ट्रैक्ट है जैसे बॉम्ब ब्लास्ट टेररिज्म अटैक ऑब्वियसली इलीगल है एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अवॉइड और ऐसे सिचुएशन में उसको इलीगल करार दिया जा सकता है ठीक है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आगे आएगा डोंट वेरी और फिर आता है अन अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्स नहीं कर सकते आ, मुझे ऐसा लगता है कि भैया आज के लिए हम इतना काफी करते हैं ये चार्ट कल लिख लेना आपने कल ये चार्ट कंप्लीट हो जाएगा इलिगल और अन इन्फोर्सियबल दोनों इसके अंदर आ जाएंगे आज हम यहां रुक जाते हैं यहां मैंने आपको तीन कॉन्ट्रैक्ट आज पढ़ा है वाइड कॉन्ट्रैक्ट वाइडल कौ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इसको ही आप आज याद रखिए यहां पर हम थोड़ा सा स्टॉप करते हैं सो सर नैनोर लेके पैसे वापस मांग सकता है क्या हाँ बिल्कुल मांग सकता है पार्सल पेमेंट वापस मांग सकता है इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो इन्फोर्स हो ही रहा है ना चलो तो सो आज के लिए हम काफी करते हैं सर एक लिंबुरनी मुझे फेंक के मारो करण सर बोल रहे हैं एक लिंबुरनी मुझे फेंक के मारो मैं मैं तुमको लगता है मेरी औकात मैं सौ रुपए दिन का कमाता हूं करण सर तुमको तो कहां से लिंबुरनी फेंक के मारूंगा पूरा पैसा मेरे बीवी के अकाउंट में जाता है बीवी मेरे को सिर्फ सौ रुपए दिन का देती है बोलती है तू खाता पीता जीता घर पे तेरे को पैसे किस बात के चाहिए क्या बताऊ करण सर मैं तुमको मेरी व्यथा क्या है अच्छा है तुम्हारी शादी नहीं हुई जब तुम्हारी शादी होगी ना तुमको समझ में आएगा कि भाई दर्शन सर के साथ क्या गुजर रही है जब तुमको मिलेगा ना पचास रुपए पर डे का तुम्हारी बीवी के तरफ से तब तुमको समझ में आएगा ये जो तुम डेटिंग के टिप्स देते हो ना मेरे बारे में दर्शन सर डेटिंग टिप्स देंगे ये डेटिंग नहीं ये तुमको मैरिज टिप्स दे रहा हूं तुमको समझ में आएगा कि दर्शन सर क्या किस मंजर से मैं तुमको क्या बताऊ मेरे को रोना आ रहा है मैं अभी दो चार घंटा कोने में बैठ करूंगा तब तक करण सर आप लेक्चर लो मैं क्या बताऊ मेरे को बात ही नहीं करनी आज तू मेरे कुछ नहीं बोला टू बाय तो गुड नाइट सब बाय बाय दस विधानिया टेक कर अपने बैठ करूंगा मेरे को बात नहीं करनी है बाय